नमस्कार, आप आपका स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज जालौन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर विधायक ने गिनाई उपलब्धियां। 3 वर्ष में 90% वादे किए पूरे। 3 साल पूरे हुए हैं, क्या उपलब्धि रही है प्रदेश में सरकार की और क्या क्या महत्वाकांक्षी योजनाएं हुई हैं जिससे लोगों को लाभ मिला? अभी हमने आप लोगों को बताया है कि जो बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं कालपी विधानसभा में 3 वर्षों में हुई, उसमें राजकीय डिग्री कॉलेज, फोर लाइन का रुका हुआ काम पूरा होना, पाल सरानी का पुल स्वीकृत करना, जोंदा नाले का पुल स्वीकृत होना, निधान डेरा का पुल स्वीकृत होना और पर्यटन स्थल में सूर्य मंदिर का शामिल करना, कागज फैक्ट्री को पूरे जिले के में एक कागज उद्योग कागज एक उत्पाद और एक जिले में की स्कीम में मुख्यमंत्री द्वारा कालपी के कागज का चयन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो जिसमें कालपी को प्राथमिकता दी गई। विधायक जी, नगर में बिजली पानी को अगर छोड़ दें तो सड़क एक बड़ा मुद्दा रहा है, मौके बाजार में सड़क के लिए अभी कुछ कोई प्रयास वगैरह किए? ऐसा है, प्रयास पूरा हुआ है और इस प्रयास का ही फल है, परिणाम है कि आपका ये रोड बन रहा है। आप ये नहीं मान रहे हैं क्या कि प्रयास हुआ है? फोर लाइन का काम तो नहीं, नहीं, आप हमारी बात सुनिए। प्रयास का फल है कि ये परिणाम, ये फोर लाइन बन रहा है। अंदर रोड केवल इसलिए नहीं बन रहा है कि अभी फोर लाइन जो बन रहा है वहाँ रोड पूरी तरह सही नहीं है और एक दिन अगर जाम लग गया तो वो रोड अंदर से अगर ट्रक जाएंगे तो वो रोड बिगड़ जाएगा, इसलिए उसको 2 महीने के लिए रोक दिया गया है। जैसे मंदिर और मस्जिद को टूटे काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ की जनता जाम से इतना त्रस्त है कि अभी जैसे 24 घंटे से जाम लगा हुआ है, जाम में यहाँ से लेके और जोलूपुर क्रॉस कर गया है, इससे आम जनता को कब तक राहत मिलेगी? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और लगेंगे, आपको 2 महीने और लगेंगे। पूरा प्रयास हो रहा है, बहुत बड़ा काम है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय आप इंतजार करना नहीं पड़ेगा ना जाम करना पड़ेगा, ज़्यादा 2 महीने लगेंगे। जैसे सरकार द्वारा गांव-गांव गौशालाएँ बनवाई गई हैं, गौशाला बन भी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आवारा मवेशी परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं, इसमें किसकी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है कुछ तो किसान जिनके जिन गांव में गौशालाएँ बनी हैं, जिनकी अपनी गायें हैं, वो छोड़ देते हैं इसलिए कि सबके अन्ना है तो हम छोड़ दें, इसलिए उसकी संख्या बढ़ी है। और बाकी मैं समझता हूँ, आज हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो अभी हमको शिकायत नहीं मिली है, शिकायत थी 2 महीने पहले बहुत शिकायत थी, लेकिन आज शिकायत किसी गांव में नहीं मिली हमको ना। जैसे विपक्ष ने आरोप लगाए हैं सरकार पे, हमेशा 4 साल से लगातार सरकार पे आरोप लगाती चली आ रही है कि जो भी विकास हो रहे हैं वो सपा सरकार ने जो पास किए हुए और सरकार ने अपने खुद के कोई विकास नहीं किए। सपा सरकार में पास हुए होते सरकार तो वो क्यों नहीं कर पाई फोर लाइन का, सपा सरकार क्यों नहीं कर पाई ये काम, वो मंदिर मस्जिद क्यों डरते रहे, वो काम रुका रहा, हमने दोनों लोगों को बैठा के समझौता करा के रास्ता निकाल लिया, वो काम शुरू हो गया। विधायक जी, ये फोर लेन का काम जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें दुर्गा मंदिर पे अंडरपास की मांग की गई थी, उसको लेकर अभी तक ऐसा है, इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी लिख के दिया है कि ये VIP चौराहा है, यहीं से अस्पताल, तहसील और सर्किट हाउस और थाना सब इसी रोड से जाते थे, तो उन्होंने भी लिखा और हमने एक बार इनके अधिकारियों को बैठाया था, DM SP और DM थे और ADM और 4 लोग बैठे थे, जब उसमें चर्चा हुई तो उन्होंने पूरी तरह से उसको निकाल दिया है कि हम बना नहीं पाएंगे उसको, जो कि उधर एकदम पुल आ जाता है तो पुल उधर एकदम नहीं उतारा जा सकता, लेकिन इसके बाद भी अभी हम रुके नहीं हैं, इस लड़ाई को हम गडकरी तक ले जाएंगे और प्रयास होगा तो हम वहाँ अंडरपास बनवा सकते हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।